56 का आंसर ए बन रहा है. 57 कह रहा है, ऑन 1st January जफर बोरोड 10,000. जफर ने क्या किया, 10,000 का लोन लिया. ही अग्रीड टू रीपे द लोन बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January. क्या मतलब, 10,000 का लोन लिया है 1st January में, सही है, और हर साल वो कह रहा है 1,000 लोन पे करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. अच्छा, पहले साल के एंड पे अगर आप देखें हमारे ऊपर जो लोन है वो, अब कितना लोन है पहले साल के एंड पे, 1st January में हमने लोन लिया, अभी तक हमने कोई लोन रीपे नहीं किया. 10,000 का लोन है जिसमें से 9,000 लोन हमें बाद में पे करना है और 1,000 लोन हमें कब पे करना है, 2011 में पहली तारीख को पे करना है. भाई जो विद इन अ ईयर पे करते हैं वो करंट लाइबिलिटी, और जो एक साल के बाद पे करते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी. तो पता ये चला कि 10,000 में से 1,000 क्या हमारे लिए करंट लाइबिलिटी और बाकी 9,000 क्या नॉन करंट. अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी रह जाएगी टोटल 9,000, जिसमें से 1,000 हो जाएगी करंट लाइबिलिटी और बाकी 8,000 क्या बन जाएगी, नॉन करंट. हर साल 1,000 से लाइबिलिटी कम होती जाएगी और टोटल में से 1,000 कहाँ आती रहेगी, करंट में, बाकी